Hey, hello freaks, welcome back to OOF, and I am back again with another video. And this video is going to be in continuation of my previous video jahan pe maine review kiye the Meesho ke kuch outfits jinko aap check kar sakte hain is I button pe click karke. So this video is going to be in continuation of my previous video, like I said, jahan pe main review karungi Meesho ke kuch aur outfits. So basically this is going to be Meesho part 2. So let's get started. So the first product that I'm going to review is this mini skirt. This black and white mini skirt. ये आगे और पीछे हर एंगल से ऐसा ही दिखता है. Now let's quickly discuss the highlights of this skirt. So पहली चीज जो मुझे अच्छी लगी वो है इसका ये white और black pattern. और इस white और black pattern की वजह से आप इसको you can style it in many different ways, जो कि हम आगे अभी discuss करेंगे. नेक्स्ट जो चीज मुझे अच्छी लगी वो है इसका फैब्रिक. ये काइंड ऑफ हॉजरी काइंड ऑफ जो फैब्रिक होता है उसका इसका ये वो फैब्रिक है, एंड बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही सॉफ्ट है. तो ये चीज मुझे अच्छी लगी इसकी. बात करते हैं हाउ यू कैन स्टाइल दिस. तो मैंने स्कर्ट को स्टाइल किया है ये ब्लैक टॉप के साथ. आप इसको ब्लैक और व्हाइट किसी भी टाइप के टॉप के साथ, बेसिकली इन दो कलर्स के साथ ही स्कर्ट ज्यादा अच्छी लगेगी. तो आप इसको इन दो कलर्स के टॉप के साथ स्टाइल कर सकते हैं. एंड मेरा सजेशन ये होगा कि आप इसको स्लीव्स वाले मतलब टॉप के साथ ही स्टाइल कीजिए. एक्चुअली कपड़ों का ऐसे ही कॉन्ट्रास्ट किया जाता है कि अगर आप मिनी स्कर्ट पहन रहे हैं तो आप इसको स्लीव वाले टॉप के साथ वेयर कर सकते हैं. बेसिकली अगर आप कोई जीन्स पहन रहे हो तो आप उसको स्ट्रैपी टॉप के साथ स्टाइल कीजिए. तो इस टाइप से कॉन्ट्रास्ट देख के आप कपड़ों को स्टाइल कीजिए. साथ में आप पहन सकते हैं ब्लैक और व्हाइट कलर के सैंडल्स, एंड इयररिंग में आप पहन सकते हैं ब्लैक कलर के इयररिंग्स. ये स्कर्ट व्हाइट कलर के इयररिंग्स मतलब आप चाहते हैं तो पहन सकते हैं, बट बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा ब्लैक इयररिंग्स के साथ. भले ही आप जो सैंडल्स हैं वो आप व्हाइट पहने, बट इयररिंग्स इसके साथ ब्लैक ही जाएंगे. सो दिस इज हाउ यू कैन स्टाइल योरसेल्फ विद दिस स्कर्ट. अब बात करते हैं विच ओकेजन टू वेयर इट ऑन. सो दिस स्कर्ट इज पर्टिकुलरली आई एज पर माय सजेशन आई फील लाइक दिस स्कर्ट इज मेड फॉर स्पेशली फॉर टू ओकेजन्स. तो पहला ओकेजन है कि इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ पार्टी, इफ यू आर प्लानिंग फॉर यू नो अ पब विजिट, उस टाइम पे बेसिकली रात के टाइम पे आप इसको पहने, उस टाइम पे ये अच्छा लगेगा. नेक्स्ट सेकेंड ओकेजन जो अच्छा लगेगा वो है इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ आउटिंग, बेसिकली लाइक कहीं घूमने जा रहे हैं उस टाइम पे आप इसको पहन सकते हैं. घूमने से मेरा मतलब है आउटिंग ही, नॉट काइंड ऑफ यू नो पब्लिक मीटअप विद योर फ्रेंड्स और फैमिली ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट और लंच टाइम. उस टाइप के ओकेजन के लिए ये स्कर्ट नहीं है, उस टाइम पे ये ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा. ये अच्छा लगेगा पब एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ आउटिंग, उस टाइम पे भी आप इसको पहन सकते हैं. अगर आप आउटिंग के लिए इसको पहन रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसको शूज के साथ पहने, उसके साथ ये बहुत ही क्यूट लुक देगा. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू रिव्यू इज दिस ड्रेस. लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स. सो ये इस टाइप का आउटफिट है एंड ये आगे पीछे दोनों से ऐसे ही दिखता है. फटाफट से बात करते हैं इस इसके हाईलाइट की. सो पहली चीज जो मुझे अच्छी लगी वो है इसका यू विल गेट दिस लिटिल पैटर्न हियर. आई थिंक ये पैटर्न की वजह से ये आपकी स्किन को होल्ड करके रखता है, आपको एक काफी कंफर्टेबल वाली फीलिंग देता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी आउटफिट. तो ये चीज मुझे अच्छी लगी. नेक्स्ट चीज जो मुझे अच्छी लगी यू विल गेट दिस लिटिल स्केटर वाला पैटर्न. सो ये चीज मुझे अच्छी लगी विच गिव्स दिस ड्रेस अ वेरी क्यूट लुक व्हेन स्पेशली इफ यू वेयर इट विद यू नो स्नीकर्स. यस नेक्स्ट चीज जो मुझे अच्छी लगी वो है इसके स्ट्रैपीज. दिस मतलब उसको देते हैं बहुत ही क्यूट और क्या कहते हैं काफी थोड़ा सा सेक्सी भी लुक देते हैं. सो ये तीन चीजें मुझे इस आउटफिट की काफी अच्छी लगी. बात करते हैं हाउ यू कैन स्टाइल दिस. तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसको पहने क्या कहते हैं व्हाइट सैंडल्स के साथ, साथ में पहने व्हाइट इयररिंग्स. अगर आपके पास व्हाइट नहीं है और अगर आप अरेंज कर सकते हैं सेम कलर के इयररिंग तो आप उसके साथ इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन स्टाइल इट विद व्हाइट सैंडल्स, व्हाइट स्नीकर्स एंड व्हाइट इयररिंग्स. सो दिस इज हाउ यू कैन स्टाइल योरसेल्फ विद दिस ड्रेस.
नेक्स्ट बात करते हैं विच ओकेजन टू वेयर इट ऑन। सो इस ड्रेस का जो फैब्रिक है वो कॉटन है एंड इसके लुक से ही आपको ये समझ आ रहा होगा कि दिस ड्रेस इज मेड फॉर डे आउटिंग। यस, तो आप इसको पहने डे के टाइम, मतलब आप पहन सकते हैं इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ ब्रेकफास्ट और अ लंच मीटअप विद योर फ्रेंड्स और फैमिली, उस टाइप के छोटे मोटे कैचअप के लिए आप इसको पहन सकते हैं। आप इसको एज अ आउटिंग आउटफिट भी पहन सकते हैं। आउटिंग के लिए आप इसको स्नीकर्स के साथ वेयर कीजिए, उसके साथ ये बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। बट हाँ, दिस ड्रेस इज नॉट मेंट फॉर योर नाइट का, अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये उतना अच्छा नहीं लगेगा। आप इसको पहने दिन के टाइम पे ही। सो दैट्स इट गाइज अबाउट माई इन डिटेल रिव्यू मीशो पार्ट 2। बट अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 हिट द सब्सक्राइब बटन, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू लाइक द वीडियो एंड जस्ट स्टे कनेक्टेड विद ऊफ, क्योंकि ऊफ देता है आपको वेराइटी वेराइटी ऑफ कॉन्टेंट। जी हाँ, ना ही सिर्फ अमेजन, ना ही सिर्फ मिंत्रा, ना ही या फिर कोई और कॉमन वेबसाइट। मैं करती हूँ हर हर वेबसाइट को रिव्यू जो कि मुझे अच्छी लगती है, जो कि मुझे बाकियों से डिफरेंट लगती है, जो कि आपको कहीं और किसी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं वैरायटी ऑफ कंटेंट में बिलीव रखती हूँ, उसी को रिव्यू करती हूँ। एंड अगेन, मेरे हर प्रोडक्ट होता है क्वालिटी प्रोडक्ट, जो कि होता है सबसे अलग और सबसे डिफरेंट। सो आप रहिए मेरे साथ कनेक्टेड, क्योंकि मैं दूंगी आपको बहुत सारा नया नया कंटेंट। टिल देन, आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।